दो तीन बार गया हूँ मैं, रोक लग सके, पर एज ए टूरिस्ट गया हूँ मैं, दूर से देखा अपने घर को और एक इमोशनल टाइम होता है। मैं अंदर दो बार गया, 15-20 मिनट, फिर निकला वहाँ से। लोगों ने पहचाना आपको? बिल्कुल, डाउन टाउन की सारी यादें वाबस्ता है कश्मीर के साथ। मेरा पूरा, मेरा पैदाइश, मेरी, मेरा बचपन पूरा कश्मीर में था, और वो यहाँ आके वो यादें जो है अभी भी ताज़ा हो जाती है, और कुछ बहुत ही दर्दनाक यादें भी हैं। एस्पेशली यहाँ से जिन हालात में हम निकले यहाँ से, सेविंग आवर लाइव्स, नो, हमने अपने आप को बचाया उस टाइम पे, तो बहुत ही हालात बिगड़े हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक ही हम सब यहाँ से निकले, पहले तो बच्चों को भेज दिया, तो हम ट्रक में निकले, तो वो एक याद भी है, वो याद कि हम कश्मीर में किन हालात में निकले, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं जितना लिखा है मैंने इसी की वजह से लिखा है, बिकॉज ये कहानी मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और ये कहानी मेरे दादा और दादी की भी है, जो उस टाइम पे उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बिकॉज उनका एक ही प्रेयर था, हम जिए भी कश्मीर में, अपने घर में, और हम मरे भी कश्मीर में, वो सपना। और उसके बाद जो मैं कैंप स्कूल में पढ़ा, मैं उधमपुर में, और एक बड़ा कैंप था उधमपुर में, उसके बगल में हम रह रहे थे बहुत साल, और हर साल हमने यही सोचा कि क्या हम अगले साल कश्मीर की सिचुएशन इम्प्रूव हो के हम वापस अपने घर जाएंगे। उस टाइम से आज 32 साल हो गए, और 32 सालों में वो जो एक ख्वाब है कि क्या हम कभी, अब उस टाइम पे मैं 15 साल का था और 32 साल हो गए, तो वो एक जो सपना है कि जिस हिसाब से हम निकले थे अपनी जानें बचाकर, क्या हम कभी अपनी लाइफ टाइम में वापस आ सकें, तो उसी दिन की खोज है, वो दिन की खोज है कि वो दिन आए और हम एक बार फिर से यहाँ पे बसे और एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट हो, सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट हो। नॉट दैट एज अ कश्मीरी पंडित, एज अ हिंदू, यू माइट बी थॉट ऑफ एज अ पर्सन हु कैन बी किल्ड, जैसे टारगेटेड किलिंग्स बोलते हैं ना, ये हिंदू है इसको मारो, वही हुआ परसों, नहीं हुआ, वही हुआ शोपियां में, उससे पहले राहुल भट्ट, तो पर क्या वो कश्मीर, क्या बदलेगा कश्मीर फॉर गुड कि एक बार फिर हम यहाँ रह सके, उसी दिन की खोज है। तो सुधा जी, 32 साल का अरसा हुआ 90 से लेकर अभी तक, और आप यहाँ से निकले भी, आप डाउनटाउन के रहने वाले हैं, तो बहुत यादें हैं जो ताज़ा हुई होगी आज आप यहाँ। बहुत, मैं डाउनटाउन का रहने वाला, हमारा उस टाइम पे मेरे फादर ने ज़मीन ली थी ओमपोरा बडगाम में, और सपना था कि हम, क्योंकि डाउनटाउन एक कंजेस्टेड एक इलाका था, एक सपना था फादर का कि हम ओमपोरा बडगाम में एक घर बना सके, वो सपना अधूरा रह गया। और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमको वो ज़मीन बेचनी पड़ी, बिकॉज फिनंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे फादर यहाँ, मेरी मदर टीचर थी शारदा पीठ स्कूल में, जो डाउनटाउन में है, मेरे फादर एसपी कॉलेज एंड अनंतनाग डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे उस टाइम पे,
और यही एक सपना था कि हम कश्मीर हमारा घर है, और चाहे हम पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में कहीं दूसरे शहर जाएं भी, पर कश्मीर हमेशा घर आ सके। जैसे लोग बिहार को छोड़कर कलकत्ता को छोड़कर दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, फिर वो छुट्टियां मनाने वापस अपने अपने घरों पे जाते हैं, बिहार या कलकत्ता या भोपाल या असम। तो मेरे लिए वो कश्मीर आना वैसा आना नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि आप एक एज कश्मीरी आज आपको यहाँ पर बुलाया गया, कि आप इनको बुलाना चाहते थे तो आप ही को बुलाया गया आज यहाँ? यहाँ मेरे को बहुतों को बुलाया गया, पर मेरे को तो इसलिए बुलाया गया क्योंकि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, एक कश्मीरी हूँ, और लिखने में मैं रुचि है। अपनी कहानी मैंने अपनी किताबों में लिखी है, और जो लिखा है वो मेरी सच्चाई है। तो जब आप आज यहाँ कश्मीर पहुँचे तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला? आपको लगा कि यहाँ पर बदल चुका है कुछ, क्योंकि सरकार कह रही है कि यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, 370 हटने के बाद यहाँ पर माहौल जो है साजगार हो चुका है, और देखा जाए तो सिविलियंस किलिंग, जो कश्मीरी पंडित्स की किलिंग, वो अब बढ़ने लगी है, क्या बदल रहा है कुछ, क्या वही वैसा का वैसा ही? मेरे लिए तो मैं तब मानूंगा, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे लिए जो असली बदलाव है वो तब होगा कि जब हम वापस आए और वायलेंस कम्प्लीटली जो वहाँ यहाँ पे मिलिटेंसी तब भी थी, अभी भी तो है ना, नहीं है अभी भी। परसों की एक कश्मीरी पंडित को उस कल भी आई थिंक दो नॉन लोकल्स को जो बोलते हैं नॉन लोकल, वो नॉन लोकल क्या होता मुझे समझ नहीं आता, तो पर उनको मारा गया। तो अभी भी हालत कम्प्लीटली सुधरे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, जो 90s का दशक था, मैं यहाँ एक बार 90s में आया हूँ, और यहाँ पे एक वॉर जोन था तब, ऐसा लगा मुझे, 3 दिन था मैं यहाँ पे, दिल्ली से आया, वैसा माहौल नहीं है। और उसके बाद भी 2010 में फर्क तो पड़ा है, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट। अब गए अपने घर, जो जहाँ पर अपना घर है, अब गए वहाँ पर? 2-3 बार गया हूँ मैं, पर एज ए टूरिस्ट गया हूँ मैं, दूर से देखा अपने घर को, और एक इमोशनल टाइम होता है। मैं अंदर 2 बार गया, 15-20 मिनट, फिर निकला वहाँ से। लोगों ने पहचाना आपको? बिल्कुल, डाउनटाउन की कैसा वेलकम किया आपको वहाँ पर? क्योंकि कश्मीर जो है हमेशा माना जाता है जो मेहमान नवाजी में, क्योंकि आप यही कहते हैं आपका मेहमान नवाजी। बहुत लोग, जो कुछ पुराने लोग हैं जो मेरे दादा दादी को जानते थे तब से, वो रो पड़े। पर ये भी था कि उनको वो भी मुझे लगता कहीं ना कहीं हेल्पलेस हैं, उनकी भी कोई वॉइस नहीं है। पर ये जो एक अभी भी डिवाइड है कश्मीरी मुस्लिम्स और पंडित्स में, तो डिवाइड तब भी था और अब भी है। तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को कि वो एक साथ सबको रखे, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती उसमें, ये डिवाइड दोनों कम्युनिटीज को ही कम करना पड़ेगा, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए सिद्धा जी, ये एक इमोशनल डिवाइड है। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो बाद में आती है, ये पहले एक इमोशनल डिवाइड है। सबसे पहली सीढ़ी आपको इमोशनल वो पार करनी पड़ेगी, उनकी तरह कामयाब ना हो सका, उसके बाद वो दोनों कम्युनिटीज, यू नो, क्योंकि जब तक वो वक्त वापस नहीं आता तब तक मेरे लिए कोई मायने नहीं है। सर जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, लगातार जो है पीस टॉक की बात की गई थी, यहाँ पर पीस टॉक होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि जब भी कोई किसी को मारा जाता है तो या आप बोलते हैं नामालूम बंदूक बरदार ने मार दिया, फिर उसके बाद उसको
टैग लगाया जाता है कि अब किस तंजीम से वाबस्ता था, और लास्ट में जो है पाकिस्तान पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से मिलिटेंट आए हैं या पाकिस्तान ने यहाँ पर घुसपैठ की है और वही यहाँ सब कुछ करा रहा है। अगर इतना सब हो रहा है, क्यों नहीं सरकार पीस टॉक के लिए राज़ी होती है दोनों सरकारें, ताकि जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित से जो दूर हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, वो फिर एक बार वो माहौल बनाए। क्या सरकार ऐसा नहीं कर पाती? सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार का काम यही चीज़ है। सरकार का डेवलपमेंट भी काम है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स उसका भी काम है, पर सरकार पीस टॉक्स वो आई थिंक हुए हैं काफ़ी, इतने सालों में हुए हैं, काफ़ी फेल हुए हैं, कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, पर सरकार एक चीज़ नहीं कर सकती, जो दिलों में बैर है लोगों, वो वही लोग उसका हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो यंग जनरेशन है, शायद कहीं वो एक दूसरे के करीब आएँ, मुझे लगता है जो यंग जनरेशन आजकल है, जो हमारी जनरेशन थी आई थिंक उनमें बहुत प्यार था जब हम बचपन में थे, बट अब जो ये जनरेशन है, जो एक स्कूल गोइंग कश्मीरी पंडित है एंड कश्मीरी मुस्लिम है, उनको पता नहीं है एक दूसरे के बारे में, तो वो बैगेज नहीं उनके पास है, शायद उसके कारण वो एक दूसरे के करीब आए, बिकॉज मुझे लगता है वही एक हल हो सकता है। इसके बियॉन्ड मेरे को कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि वो जो एक पीढ़ी है कश्मीरी पंडित से, जो चिल्ड्रन ऑफ एग्जाइल उनको बोले, ये इनका जन्म आउटसाइड ऑफ देयर होमलैंड हुआ, बट ये फिर भी कश्मीर को अपना होमलैंड, पेरेंट्स का होमलैंड मानते हैं। किताबों